जालौन कोतवाली क्षेत्र के कुडरी के जंगल में बीते 9 जून को मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश के मामले को का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्त और हत्या में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल आला कत्ल बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शनिवार को कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी अमित सिंह और प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 9 जून को डरी के जंगल में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिस पर पुलिस हत्या की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इस मामले का अनावरण करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अमित यादव, पिता रतिपाल, निवासी अजरहा मजरे बेला भेला जनपद रायबरेली के रूप में हुई है और पुलिस विवेचना में पकड़े गए अभियुक्त चंद्र भान ने हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक अमित कुमार चंद्रभान के यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करता था। काम के बदले उसे 500 रुपये दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद से मृतक मेरा कहना नहीं मानता था, अपनी मनमर्जी करता था। 6 माह पूर्व अभियुक्त चंद्रभान की शादी प्रतापगढ़ जनपद के थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र के नरे गांव की अर्चना से हुई थी। मेरी अनुपस्थिति में अमित मेरे घर और मेरी ससुराल आया जाया करता था। मुझे शक था कि वहां कहीं मेरी पत्नी से इसके अवैध संबंध तो नहीं। पकड़े गए अभियुक्त ने अमित को रास्ते से सदैव हटाने की योजना बना डाली। बीते 8 जून 2022 को अमित को अपने ससुराल नरई ले जाने की योजना बनाई, जिसके लिए गन्ना काटने वाला बांका और अपने पास रखकर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से उसे बैठाने के बहाने से ससुराल ले जाने को निकला, जिसे लेकर कोडरी जंगल में ले गया और वहां पहुंचकर उससे कहा कि इसी जंगल में खेत में मेरे मामा हैं, उनको भी साथ ले लेते हैं। ससुराल चले जंगल में पहुंचकर और मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसे दे दी। जैसे ही वहां मोटरसाइकिल हैंडल पकड़कर चलाने लगा, उसके तुरंत बाद उसने पास रखे बांका से अभियुक्त चंद्रभान ने उसके गले पर वार कर दिया, जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर गया और गिरने के बाद उसने उसके चेहरे व शरीर पर बांके से कई वार किए, बांका को कहीं वहीं फेंक दिया और मृतक के मोबाइल वहां अपने पहने हुए कपड़े बंदा तिराहे बकुला ही नदी में पुल के नीचे पानी में फेंक दिया और फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी ससुराल नरई चला गया। कोतवाली पुलिस शनिवार की सुबह लगभग 9:35 पर मीर जहांपुर मोड़ कोतवाली सलोन में अभियुक्त चंद्रभान को आला कत्ल और मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में उसे जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उपनिरीक्षक संजय कुमार पाठक, उपनिरीक्षक शान शाहिद, कांस्टेबल अंशुल कौशिक, हेड कांस्टेबल चंद्रभूषण तिवारी, हेड कांस्टेबल मृत्युंजय पांडे और कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ समेत पुलिस के अन्य लोग शामिल रहे। अजीत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मिली थी अज्ञात डेड बॉडी थी, एक महीने बाद इसका खुलासा हुआ है, क्या मामला है? दिनांक 9/6 को कुरड़ी धराई के जंगल में अज्ञात शव मिला था। इसकी पहचान अमित यादव पुत्र रतिपाल निवासी अजरहा के रूप में हुई थी। दिनांक 16/7 को आज 9:30 बजे के करीब में मुखबिर खास से सूचना हमें जानकारी मिली कि इसकी हत्या चंद्रभान पुत्र माता प्रसाद द्वारा की गई है, जिसको गिरफ्तार किया गया। इसको इससे पूछताछ में पता चला कि इसने जो हत्या की है वो अशनाई के शक में किया है। इसकी बीवी थी, ये रात बिरात उसके घर चला जाया करता था। इसको लेकर के इसने इसकी हत्या की थी। क्या क्या बरामद हुआ सर इसके साथ? इससे जिस हथियार से इसने हत्या की थी वो बरामद हो गया। एक फ़ोन बरामद हुआ इसका और एक अजर मोटरसाइकिल बरामद हुआ। सर खुलासे में कितने टीमी थे सर? खुलासे में जो है हमारे थाना प्रभारी संजय त्यागी और तीन टीमें गई थी। इससे उनके नेतृत्व में 3 टीमों को रवाना किया गया था।